मैं एक अदना सा एडवोकेट, आपके बीच का आपका साथी, एक कोशिश भर रहती है पूरे साल में कि एक प्रोग्राम हो जाए। दिन भर की थकन, हफ्तों की टूटन और सालों की मेहनत के बाद अगर हम एक दिन बैठकर सब लोग गेट टुगेदर कर लें, बाबूजी की जयंती मना लें, एक बहाना तलाश कर लें हंसने का, मुस्कुराने का, तो क्या बुरा है? कुछ बुरा नहीं है, बल्कि अच्छा है कि हम साथ बैठने का एक बहाना ढूंढ लेते हैं। मैं जिस शख्सियत को आपके सामने लाऊंगा, कोई परिचय की इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। मैंने गुजारिश भी की है कि 2 मिनट मुझे बोलने का मौका दें। शायरी और इंट्रोडक्शन तो सुबह से 2 बजे से चल ही रहा है। मेरा मन वही है, एक बच्चा है जो ख्वाहिशों पर जिंदा है। खालिद आजमी साहब ने कहा कि ये सब खिलौने एक तरफ रख दो, मेरा बच्चा मचल जाएगा। ये मेरा मन भी वही बच्चा मन है जो आपको देखने के लिए मचलता रहता है। बड़ी मुश्किल होती है 1 महीना पहले आपको दावत देना, आपसे गुजारिश करना, कलेक्शन करना। कोई मने भी कर देता है कि नहीं, मैं मसरूफ हूं। पिछली बार देहरादून का प्रोग्राम इसी डाइस से मैंने कहा था, मैंने कैंसिल रिक्वेस्ट करी थी डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब से कि आप देहरादून कितनी बार पढ़ चुके, आप उसकी धड़कनों को भी समझिए जो आपको सुनने के लिए देखने के लिए बेताब है। मेरठ कचहरी का प्रांगण, पंडित नानक चंद सभागार। इस बार 4:10 का मैंने आपको भी टिकट भेजा था, आपको भी, कि भाई डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब का 4:10 23 तारीख को मुंबई के लिए फ्लाइट है। मैंने रिक्वेस्ट करी, भाई जब प्रोग्राम 24 का है तो आप सुबह सुबह निकल जाएं, आप हमारी इल्तजा को, गुजारिश को मान लें। और यही हुआ, उन्होंने हमारी गुजारिश को मान लिया। ये मोहब्बतें, देखिए हम कर्जदार रहेंगे कि कोई प्रोग्राम को छोड़ना या एडजस्टमेंट करना। जरा सी बात होती है, टिकट मिला नहीं मिला, अरे हम तो बस के लिए परेशान रहते हैं आजकल फ्लाइटों को, वो भी दिल्ली से जाकर पकड़ना, टिकट कैंसिल करना, नया बनाना, बहुत बड़ी बात है। मैं यूं एक बात कहूंगा कि ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। खूब सुनिए, मन लगाकर सुनिए, खूब दाद दीजिए डॉक्टर नवाज देवबंदी, आपकी समातों के हवाले, आपकी मोहब्बतों के हवाले। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद बेताब साहब का, बार एसोसिएशन का। दोस्तों कभी कभी इतनी तारीफ हो जाती है कि दोनों कांधों पे बहुत बोझ हो जाता है, और उसमें मेरी क्या गलती हो सकती है, मेरे साथ बैठने वाले भी, आप लोग भी, बल्कि हो सकता है कि रिएक्शन में दाद ही ना देंगे, यार ये कोई बात हुई, ये इतना बड़ा आदमी थोड़ा ही है। और एक बात आपको और सुनाता हूँ, कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि जब कोई आदमी पास होने लगता है तो जो एग्जामिनर होता है उसका जज्बा ये हो जाता है कि अब पास नहीं होना चाहिए इसको। मेरे फादर उस जमाने में तो ये होता था कि जब पहली क्लास में दाखला हुआ करता था, ये नर्सरी LKG UKG तो होती नहीं थी, तो मेरे अब्बा मुझे स्कूल ले गए, और उस जमाने के सबके अब्बा और पिताजी का मतलब एक ही सेंटेंस हुआ करता था। मास्टर जी को जाते ही कहते थे कि देखो मास्टर जी, आज से हड्डी हड्डी हमारी, खाल आपकी। अच्छा, मेरे अब्बा वैसे ही पिटाई करते थे। अच्छा, उस जमाने में पिटाई कंपलसरी सब्जेक्ट हुआ करता था, ऑप्शनल नहीं था, पिटाई होती जरूर थी। और मेरे अब्बा तो मतलब के वीकली पिटाई करते थे, और हर 3 दिन के 2 दिन के बाद कहने लगते थे कि देखो मियाँ ठीक हो जाओ, 3 दिन हो गए अभी। अब हमने कहा कि ये मास्टर जी के सुपुर्द कर दिया इन्होंने, तो ये तो और मुश्किल हो गई। मास्टर जी कहने लगे कि गिनती आती है? मैंने कहा जी आती है। कहा कि सुनाओ 10 तक। तो हमने 1 से 10 तक गिनती सुनाई। मास्टर जी से हमने ये पूछ लिया कि मास्टर जी 10 के बाद भी सुना दें? तो मास्टर जी ने कहा सुनाओ।
हमने 11 से लेकर 100 तक की गिनती सुना दी। जिंदगी का उसूल यही है, आपका दोस्त हो या उस्ताद, समाज हो या कोई, जब आपको देखता है कि आप जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं तो हर आदमी आपको हराना चाहता है। मेरे टीचर कहने लगे कि मैंने कहा कि सर मैं 11 से भी सुनाओ का सुनाओ, मैंने 11 से 100 तक गिनती सुना दी। मास्टर जी के तेवर बदल गए। मास्टर जी कहने लगे पहाड़े भी आते हैं क्या? अच्छा उस जमाने में पहाड़ा बड़ी बड़ी चीज होती थी, ये कैलकुलेटर नहीं होते थे। तो मैंने उन्होंने कहा कि 2 का पहाड़ा याद है? मैंने कहा जी याद है। कहा कि सुनाओ, मैंने 2 का पहाड़ा सुना दिया। मास्टर जी ने कहा अच्छा 3 का पहाड़ा भी याद है? मैंने कहा जी याद है। कहने सुनाओ, मैंने 3 का भी सुना दिया। चौथे के लिए मैंने कहा मास्टर जी 4 का पहाड़ा भी सुनाऊं क्या? अब मास्टर जी के तेवर और चढ़ गए। तो मास्टर जी ने कहा कि सुनाओ, मैंने 10 तक पहाड़े सुनाए। समाज कैसे सजा देता है? 10 तक सुनने के बाद मास्टर जी कहने लगे कि 2 का पहाड़ा उल्टा सुनाओ। तो मेरे अजीज दोस्तों, कभी कभी संचालन ऐसा ही हो जाता है कि लोग उल्टे पहाड़े की फरमाइश करने लगते हैं। मैं जो कुछ इन्होंने कहा उसमें मेरा कोई दखल नहीं, मैं सिर्फ नवाज देवबंदी हूं और आपका नवाज देवबंदी हूं। सारी बातों को भूल करके बात शुरू करता हूं। इजाजत? देखिए, मैं हमारी बहन ने रेखा गुप्ता जी ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया और उन्होंने एक नज्म भी सुनाई। अगर आप इजाजत दें तो हम भी बात नज्म से ही शुरू कर लें। इरशाद। अच्छा, ये इरशाद की ऐसी मुश्किल है कि कोई कुछ भी कहे लेकिन इरशाद इरशाद इरशाद। आइए इजाजत, स्वागत। एक बार थोड़ा सा जिंदगी का सबूत दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा थोड़ा। अच्छा देखिए, होता क्या है कि जैसे मान लो हम धामा साहब हमारे दोस्त हैं, बहुत अजीज हैं, धामा साहब का नाम ले दो तो कोई और नाराज हो जाता है, शक्ति शर्मा का नाम ले दो तो कोई और नाराज हो जाता है। भाई सब सबको बगैर नाम के संबोधन है, मतलब ये कविता सुने आप तो सब लोग, ठीक है ना? चलिए बात शुरू करते हैं। देखिए यहां से मैं एक नज्म सुनाता हूं आपको, इसका शीर्षक है गरीब की आत्महत्या, गरीब की खुदकुशी। अर्ज करता हूं कि सुना है लोग तस्वीरों में दिलचस्पी दिखाते हैं, सुना है लोग तस्वीरों में दिलचस्पी दिखाते हैं, दीवारों पे सजाते हैं, चलो हम जिंदगी की आखिरी तस्वीर बन जाएं, चलो हम जिंदगी की आखिरी तस्वीर बन जाएं, हमारी भूख की और प्यास की तस्वीर को अब तक किसी भी कैमरे ने क्यों नहीं खींचा, किसी ने क्यों नहीं देखा, किसी ने क्यों नहीं देखा, अमीरों ने नहीं देखा, वजीरों ने नहीं देखा, अमीरों को कहां फुर्सत, वजीरों को कहां फुर्सत, वजीरों को कहां फुर्सत, इन्हें तो जिंदा लाशों से न दिलचस्पी न हमदर्दी, हमारी भूख पर अखबार वाले भी नहीं लिखते, हमें उम्मीद है कि इस तमाशे को बहुत से लोग देखेंगे, बहुत आंसू बहाएंगे, वो हमदर्दी जताएंगे, बड़े मजमून लिखेंगे, बहुत मुमकिन है कोई सीरियल टीवी पे आ जाए, चलो आए ना आए हमको इससे क्या गरज, क्योंकि हमें गैरों से शिकवा है ना अपनों से शिकायत है, हमारी प्यास आंसू बन के आंखों में ही हमारी प्यास आंसू बन के आंखों में रही, लेकिन किसी दरिया ने हमदर्दी का एक कतरा नहीं भेजा। वाह वाह वाह। किसी दरिया ने हमदर्दी का एक कतरा नहीं भेजा, हमारी भूख की मैयत पे चादर तक नहीं डाली, हमारी खुदकशी के जिम्मेदारों ठेकेदारों तुम हमारी खुदकशी को भी हमारा जुर्म कहते हो, मगर ये याद रखना तुम ही सारे लोग मुजरिम हो, चलो चलो ये जुर्म करके हम किसी अखबार की तहरीर बनते हैं और अपनी जिंदगी की आखिरी तस्वीर बनते हैं, सुना है लोग तस्वीरों से दिलचस्पी दिखाते हैं, दीवारों पर सजाते हैं। वाह वाह वाह।
आइए मैं यहां से कुछ बात शुरू करता हूं। एक वो मैंने सुनाई थी, उसके लिए बहुत फरमाइश है, तो नज्म के हवाले से वो सुना दूं कि मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है। मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है, उसे भी प्यार है हमसे, उसे भी प्यार है मुझसे, मुझे भी प्यार है उससे। मेरे पिंजरे का दरवाजा खुला रहता है उसके वास्ते हरदम, न पर कतरे कभी उसके, न पर बांधे कभी मैंने। वो उड़ता है मगर फिर लौटकर पिंजरे में आता है। जमाने को ये हैरत है कि ये उड़ क्यों नहीं जाता। जमाने को ये बतलाओ, जमाने को ये समझाओ कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी है। चंद शेर और सुनाता हूं। कहता हूं कि हमारे हाथों से खुशबू महकती रहती है। अच्छा, हमारे हाथों से खुशबू महकती रहती है, खुशबू महकती रहती है। किसी की राह से कांटे हटा दिए थे कभी। वाह वाह। हमारे हाथों से खुशबू महकती रहती है, किसी की राह से कांटे हटा दिए थे कभी, किसी की राह से कांटे हटा दिए थे कभी। दुआ के वास्ते औरों को ढूंढने वालों, दुआ के वास्ते औरों को ढूंढने वालों, तुम्हारे पास भी दो हाथ हैं, दुआ तो करो। तुम्हारे पास भी दो हाथ हैं, दुआ तो करो। कहानी सुन के रोना और हकीकत देखकर हंसना, कहानी सुन के रोना और हकीकत देखकर हंसना, तुम्हारा ढंग कहता है सियासी आदमी हो तुम। तुम्हारा ढंग कहता है सियासी आदमी हो तुम, तुम्हारा ढंग कहता है सियासी आदमी हो तुम। अब मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूं कि कौन सा ट्रैक चलाऊं, 76 साल वाला या 26 साल वाला। 26 वाला। देखिए, 76 साल का आदमी भी 26 साल की बात सुनना चाहता है, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको एक पेंटिंग सुनाता हूं। एक पेंटिंग कहता हूं कि समंदर की तरह जोशे जवानी रक्स करता है। रक्स कहते हैं नृत्य को जी शर्मा जी, के समंदर की तरह जोशे जवानी रक्स करता है। वो डाले पांव पानी में तो पानी रक्स करता है, वो डाले पांव पानी में तो पानी रक्स करता है। उसे छूने की ख्वाहिश में हवा थम थम के चलती है, उसे छूने की ख्वाहिश में हवा थम थम के चलती है। कोई छूले अगर उसको तो उससे खूब जलती है, कोई छूले अगर उसको। देखिए, इतनी मध्यम उससे आप सुनेंगे तो इसमें जी नहीं लगता। फिर मैं भी ऐसी बोझल बातें सुनाऊंगा कि जिससे कि कोई छूले अगर उसको तो उससे खूब जलती है। वो लहराए जो आंचल को तो बादल झूम उठते हैं, वो जंगल से गुजर जाए तो जंगल झूम उठते हैं। वाह वाह। वो जंगल से गुजर जाए तो जंगल झूम उठते हैं। और शेर देखिएगा कि कली पे, फूल पे, पत्तों पे, गुंचों पे निखार आए। दूसरी लाइन अगर टक से लगे तो दुआ चाहूंगा कि कली पे, फूल पे, पत्तों पे, गुंचों पे निखार आए। वो कांटों को अगर छूले तो कांटों पर बहार आए। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। कली पे, फूल पे, पत्तों पे, गुंचों पे निखार आए। वो कांटों को अगर छूले तो कांटों पर बहार आए। वो बैठे साए में तो धूप भी साए से जल जाए। वो बैठे धूप में तो धूप भी साए से जल जाए। वो ठहरे धूप में तो धूप की फितरत बदल जाए। भाई वाह। वो अच्छा, अब इस पे उत्सव होना चाहिए। दो लाइनें मैंने जिंदगी में कही हैं तो मैं खुसूसी दुआ चाहूंगा आपसे कि वो बैठे साए में तो धूप भी साए से जल जाए, वो ठहरे धूप में तो धूप की फितरत बदल जाए।
मुलाजा फरमाएं कि नदी से, झील से, झरने से, देखो भाई ऐसा ना करो प्यारे लाल, तुम्हारे काम की नहीं है क्या ये बात? हाँ कभी ये सिलेबस से बाहर की बात है तो इसलिए टेम्पो टूट जाता है असल में कहीं से भी। असल में गजल का कमाल ये है कि अगर दरीचे से अगर हल्की सी हवा भी दस्तक देती है तो यहां लगती है, तो कि समंदर की तरह जोशे जवानी रक्स करता है, वो डाले पांव पानी में तो पानी रक्स करता है, उसे छूने की ख्वाहिश में हवा थम थम के चलती है, कोई छू ले अगर उसको तो उससे खूब जलती है। अब शेर मुलाज़ फरमाए कि नदी से, झील से, झरने से, दरिया से सदा आए, सदा कहते हैं आवाज को, कि नदी से, झील से, झरने से, दरिया से सदा आए, तैयार रहिएगा कि नदी से, झील से, झरने से, दरिया से सदा आए, वो बारिश में अगर निकले तो बारिश को मजा आए। अरे वाह वाह वाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह। नदी से, झील से, झरने से, दरिया से सदा आए, वो बारिश में अगर निकले तो बारिश को मजा आए, तो बारिश को मजा आए, और नकाबे रुख उलट दे तो सहर नूरानी हो जाए, और दुपट्टा सर पे रख ले तो फजा रूहानी हो जाए, दुपट्टा सर पे रख ले तो फजा रूहानी हो जाए। आप एक गजल और सुनाता हूं, एक शेर सुनाता हूं, दावा तो नहीं करता जी, लेकिन शायद मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया है हो सकता है पोएट्री में पहली बार इस्तेमाल किया हो। मुलाजा फरमाए, देखिए मेरे सारे दोस्त जी अता करें भाई, शुक्रिया। कहता हूं कि उसकी बातों का मजा मत पूछिए, मजा देखिएगा कि उसकी बातों का मजा मत पूछिए, जैसे एक मिट्टी का कुल्हड़ उसमें देसी गुड़ की चाय। भाई वाह, देखिए जिस शेर को धीरे से पढ़ा जाए उसमें आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है क्लैपिंग करने की। थैंक यू। उसकी बातों का मजा मत पूछिए, जैसे एक मिट्टी का कुल्हड़ उसमें देसी गुड़ की चाय। चांद के साथ देखकर उसको, चांद के साथ देखकर उसको, उसको उसको ही असली चांद कहना पड़ा। क्या बात है, चांद के साथ देखकर उसको, उसको ही असली चांद कहना पड़ा। जब वो मेरे खिलाफ रहने लगा मुझको अपने खिलाफ रहना पड़ा। वाह वाह वाह, शुक्रिया। जब वो अपने शुक्रिया। दुनिया खड़ी हो रास्ते में फिर हमको इससे क्या, दुनिया खड़ी हो रास्ते में फिर हमको इससे क्या, जब तू नहीं दरीचे में फिर हमको इससे क्या। वाह वाह वाह, जब तू नहीं दरीचे में फिर हमको इससे क्या? क्या एक खुशबू वो भी आपकी खुशबू अगर ना हो, एक खुशबू वो भी आपकी खुशबू अगर ना हो, वो एक खुशबू वो भी आपकी खुशबू अगर ना हो, 100 खुशबुएं हो गमले में फिर हमको इससे क्या। एक खुशबू वो भी आपकी खुशबू अगर ना हो, 100 खुशबुएं हो गमले में फिर हमको इससे क्या, जो दुख में काम आए ना सुख में शरीक हो, लगता हो कुछ भी रिश्ते में फिर हमको इससे क्या। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह। जो दुख में काम आए ना सुख में शरीक हो, लगता हो कुछ भी रिश्ते में फिर हमको इससे क्या। और आखिरी शेर सुनाता हूं, हुजरा कहते हैं जिसमें साधु संत बुजुर्ग ये अपनी कुटिया बना लेते हैं, पूरी जिंदगी उसी में गुजार देते हैं, कि दुनिया खड़ी है रास्ते में फिर हमको इससे क्या, जब तू नहीं दरीचे में फिर हमको इससे क्या, जो दुख में काम आए ना सुख में शरीक हो, लगता हो कुछ भी रिश्ते में फिर हमको इससे क्या, और जब जब आप हक के साथ खड़े ही नहीं हुए, हक कहते हैं सच को, सच्चाई के साथ, जब आप हक के साथ
खड़े ही नहीं हुए, हुजरे में थे के मुजरे में, फिर हमको इससे क्या। अरे वाह 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 डॉक्टर साहब, वाह वाह। थैंक यू। जब आप हक के साथ खड़े ही नहीं हुए, हुजरे में थे के मुजरे में, फिर हमको इससे क्या, फिर हमको इससे क्या। और दोस्तों एक और गजल सुनाता हूं। अब आप काम के आदमी हो गए हैं। असल में वो जो बात में कह रहा था ना, वो कुछ ज्यादा तारीफ होकर माहौल दूसरा हो जाता है। अच्छा जी, तो एक गजल सुनाता हूं, एक शेर सुनाने की वजह से सुना रहा हूं, मजे का शेर है। कहता हूं कि चश्मे बेख्वाब कोई ख्वाब दिखाने से रही। चश्मे बेख्वाब कहते बगैर ख्वाब की आंखें, जिसमें ख्वाब ही ना आते हो। कि चश्मे बेख्वाब कोई ख्वाब दिखाने से रही, सुबह होने को है अब नींद तो आने से रही। वाह वाह, सुबह होने को है अब नींद तो आने से रही। सुबह होने, और दोस्तों शेर मुलाजा करें कि सुबह होने को है अब नींद तो आने से रही, सुबह होने को है अब नींद तो आने से रही, आंख ही बह गई खुद आंख से आंसू बनकर। पहली लाइन ताली चाहती थी आपसे कि सुबह होने को है अब नींद तो आने से रही, आंख ही बह गई खुद आंख से आंसू बनकर, जिंदगी इससे ज्यादा तो रुलाने से रही। अरे वाह क्या बात है। आंखी बन गई, इरशाद भाई छोड़ दीजिए इसे मोबाइल को। जी छोड़ दिया। हाँ, इससे ऐसे माहौल में तो बीवी छोड़ के चली जाती है, मैं तो शायर हूं। चश्मे बेख्वाब कोई ख्वाब दिखाने से रही, सुबह होने को है अब नींद तो आने से रही, आंख ही बह गई खुद आंख से आंसू बनकर, जिंदगी इससे ज्यादा तो रुलाने से रही। और लौ कतरने का हुनर सीख लिया था हमने, लौ कतरने का हुनर सीख लिया था हमने, इसलिए अक्ल चरागों के ठिकाने से रही। बहुत खूब बहुत खूब, क्या बात। लौ कतरने का हुनर सीख लिया था हमने। इसलिए जिंदा, इसलिए आकुल चरागों की ठिकाने से रही। आज निकला है उधर छोटे से कद का सूरज। आहा वाह। आज निकला है उधर छोटे से कद का सूरज, धूप दीवार के इस पार तो आने से रही। वाह 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 वाह, बहुत। आज निकला है उधर छोटे से कद का सूरज, क्या सोच है। वाह। धूप दीवार के इस पार तो आने से नहीं। और ये 26 साल वाले तैयार रहें। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें 76 साल वाले शर्मिंदगी में और जरा दबे दबे दांत देते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि चश्मे बेख्वाब कोई ख्वाब दिखाने से रही जी, सुबह होने को है अब नींद तो आने से रही, आंख ही बह गई खुद आंख से आंसू बनकर, जिंदगी इससे ज्यादा तो रुलाने से रही। हम समझते हैं मगर भीगने आ जाते हैं। दूसरी लाइन आएगी, मजा देगी, हम समझते हैं। सुबह होने को है अब नींद तो आने से रही, कि हम समझते हैं मगर भीगने आ जाते हैं, ऐसी बारिश में तो वो बाल सुखाने से रही। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छी ग्रह। हम समझते हैं मगर भीगने आ जाते हैं, देखिए ये जो भाई ने धमकी सी दी है, ये भी मोहब्बत है, ये भी मोहब्बत है। असल में बात क्या है कि अंदर से कुछ भी निकल आए वो सब कबूल। के अच्छा बेहतर है कि हम समझते हैं मगर भीगने आ जाते हैं, ऐसी बारिश में तो वो बाल सुखाने से रही। एक और नई गजल सुनाता हूं, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप। एक एक बात आपको और बताता हूं, वैसे तो ये अलग बात होती है, लेकिन वाकया ये है कि बाखुदा मैं आपसे सही बात बता रहा हूं, मेरा भी आने को जी चाहता है।
हालांकि मेरी ससुराल है, मेरी बीवी यहीं की हैं, जब भी मैं कोई प्रोग्राम तब्दील करके मेरठ का प्रोग्राम लेता हूं तो वो बड़ी नाराज होती है कि तुम्हें पता नहीं क्या पड़ी रहती है मेरठ के ही प्रोग्राम में। अच्छा, उसमें वजह ये होती है कि लिफाफा यहाँ का छोटा होता है वहां का बड़ा होता है, तो वो जब लिफाफा जाके मिलता है उनको उसमें बड़ा मामला गड़बड़ होता है। खैर, ये तो मोहब्बत की बात थी। असल चीज, असल सरमाया धरोहर मोहब्बत होती है, जो कहीं और नहीं मिल सकती। वहाँ पैसे मिल सकते हैं, सम्मान नहीं। वहाँ इज्जत नहीं मिल सकती, वहाँ पैसा मिल सकता है। आप मोहब्बत देते हैं, मैं आपको सलाम करता हूँ। तो नई गजल सुनाता हूँ। जी, मुलादा फरमाएं। देखिए सिकंदर भाई, आप भी मुलादा करें। गंभीर जी मुलादा फरमाएं, शेर पेश करता हूँ। कहता हूँ कि एक नई जागीर बनाना चाहते हैं, जिंदा रहिएगा। चूंकि जब नई गजल होती है ना, हमें हौसले की जरूरत होती है। हम भी अपनी सारी गजलें जब कहीं अच्छी जगह महसूस करते हैं तो नई गजल वहां उतारते हैं कि एक नई जागीर बनाना चाहते हैं। अब दूसरे मिसरे में एक लफ्ज आएगा कि एक नई जागीर बनाना चाहते हैं, हम बेटे को मीर बनाना चाहते। अरे भाई भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। एक नई जागीर बनाना चाहते हैं, हम बेटे को मीर बनाना चाहते हैं, हम बेटे को मीर बनाना चाहते हैं। अब गजल सारी नई है तो बड़ा मुश्किल काम है। हम बेटे को मीर बनाना चाहते हैं। हाँ कुछ, लेकिन ऑडियंस भी कुछ चाहते हैं कि हम बेटे को एक नई जागीर बनाना चाहते हैं, हम बेटे को मीर बनाना चाहते हैं। मीर, और रेखा जी शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि हम बेटे को मीर बनाना चाहते हैं। कुछ फूलों से, कुछ फूलों से हमने खुशबू मांगी है। हम बेटे को मीर बनाना चाहते हैं, कुछ फूलों से हमने खुशबू मांगी है, हम तेरी तस्वीर बनाना चाहते हैं। वाह 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 डॉक्टर साहब, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फूलों से हमने खुशबू मांगी है, हम तेरी तस्वीर बनाना चाहते हैं। उसको उसको खत लिखना है और एक कागज पर, उसको खत लिखना है और एक कागज पर, एक दिल और एक तीर बनाना चाहते हैं। भाई वाह 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 वाह, उसको इशारा लिखना है और एक कागज पर, एक दिल और एक तीर तीर बनाना चाहते हैं। फूल भी हो, डल झील भी हो और कातिल भी, तस्वीर बनाना चाहते। फूल भी हो, डल झील भी हो और कातिल भी, हम दिल को कश्मीर बनाना चाहते हैं। वाह 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 वाह, फूल भी हो, डल झील भी हो और कातिल भी, हम दिल को कश्मीर बनाना चाहते हैं। इरशाद बेताब साहब और बार एसोसिएशन के इस मुशायरे में दो लाइनें ये छोटा सा शायर पेश करता है। स्वागत भाई, मेरे दोस्त धामा साहब यहाँ बैठे और सारे दोस्त। फिर दावा नहीं करता, एक लफ्ज हो सकता है आपको नया लगे, और हिंदुस्तान के आखिरी नागरिक तक इस फकीर का ये पैगाम पहुंचाइएगा कि एक नई जागीर बनाना चाहते हैं, हम बेटे को मीर बनाना चाहते हैं, कुछ फूलों से हमने खुशबू मांगी है, हम तेरी तस्वीर बनाना चाहते हैं। फूल भी हो, डल झील भी हो और कातिल भी, हम दिल को कश्मीर बनाना चाहते हैं। एक एक आदमी तवज्जो से सुने, कश्मीर बनाना चाहते हैं। ईद पे हमको उसने गुजिया भेजी थी, ईद पे हमको उसने गुजिया भेजी थी, हम होली पर शीर बनाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, हम होली पे शीर बनाना चाहते हैं। थैंक यू।
शुक्रिया शक्ति भाई। ईद पे हमको उसने गुजिया भेजी थी, हम होली पर शीर बनाना चाहते हैं, हम होली पर शीर बनाना चाहते हैं। एक और अब ये भी नई बात सुनाता हूं, कहता हूं कि कोई नहीं किसी का ये बतला दिया मुझे, कोई नहीं किसी का ये बतला दिया मुझे, कल रात मेरे साये ने धोखा दिया मुझे, कल रात मेरे साये ने धोखा दिया मुझे, और रोने पे मेरे तंज किए जा रहे थे लोग। तंज कहते हैं कटाक्ष करने को, क्रिटिसाइज करने को, कि रोने पे मेरे तंज किए जा रहे थे लोग, मैं हंस पड़ा तो हंसने का ताना दिया मुझे। अब शेर देखिएगा मेरे दोस्तों, साथ लेके जाइएगा, समाज ने बड़ी तरक्की की है, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें हमने बनाई हैं, एक एक घर एक एक कैंपस में कई कई गाड़ियां खड़ी रहती हैं, लेकिन रिश्तों का जैसा नुकसान हुआ है शायद उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। शेर सुनाता हूं कि कल रात कोई नहीं किसी का ये बतला दिया मुझे, कल रात मेरे साये ने धोखा दिया मुझे। शेर देखें, कल कल मैं उलझ गया था चचा जात भाई से, रिश्ता मुलायदा कीजिएगा कि कल रात मेरे साथ साये ने धोखा दिया मुझे, कल मैं उलझ गया था चचा जात कजिन, कल मैं उलझ गया था चचा जात भाई से, वालिद ने आके ख्वाब में धमका दिया मुझे। अरे रे रे भाई वाह, क्या खूब क्या खूब, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह वाह। कल मैं उलझ गया था चचा जात भाई से, वालिद ने आके ख्वाब में धमका दिया मुझे, वालिद ने आके ख्वाब में धमका दिया मुझे, और वालिद ने आके ख्वाब में धमका दिया मुझे। चंद शेर और सुनाता हूँ, देखिए मैं सुनाता हूँ, ये मेरी बेटी बैठी हैं दो तीन, और ऊपर भी हमारी एक बेटी एक बहन बैठी हैं। मेरा एक बहुत मशहूर शेर है कि एक आँखों के पास है, एक आँखों के पास है, एक आँखों से दूर है, एक आँखों के पास है, एक आँखों से दूर, बेटा हीरा होता है और बेटी कोहे नूर, बेटा हीरा होता है और बेटी कोहे नूर। हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, दीवार तो मिलती है बुनियाद नहीं मिलती, दीवार तो मिलती है बुनियाद नहीं मिलती, माँ तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी, हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। बहुत बढ़िया, वाह वाह, बहुत खूब। माँ तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी, हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती, हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। एक शेर और एक गजल और सुनाता हूँ, कहता हूँ ये कैसा गम है, होता क्या है कि दुनिया में कुदरत किसी को कुछ भी दे दे, लेकिन पता नहीं क्यों लोग उससे संतुष्ट ही नहीं होते। जिसके पास साइकिल है वो ये कहता है कि जी मेरे पास बाइक नहीं है, बाइक वाला कहता है मेरे पास कार नहीं है, कार वाला कहता है मेरे पास मर्सिडीज नहीं है, मर्सिडीज वाला कहता है मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है। कि ये कैसा गम है खुशी बेशुमार होते हुए, ये कैसा गम है खुशी बेशुमार होते हुए, करार क्यों नहीं मुझको करार होते हुए। अब दोस्तों गजल का शेर सुनिए कि करार क्यों नहीं मुझको करार होते हुए, अर्ज करता हूं, वो मेरे भेजे हुए फूल उसके जूड़े में, करार क्यों नहीं मुझको करार होते हुए, वो मेरे भेजे हुए फूल उसके जूड़े में, मैं खुद को देख रहा था बहार होते हुए, मैं खुद को देख रहा था बहार होते हुए, और तुम्हारी जीत में शामिल हूं मैं बराबर का, तुम्हारी जीत में शामिल हूं मैं बराबर का, मैं खुश हुआ था बहुत अपनी हार होते हुए, मैं खुश हुआ था बहुत अपनी हार होते हुए,
दो लाइनें तोहफे में पेश करता हूं, मुलादा फरमाएं, साथ लेके जाएंगे, जिंदगी के किसी मोड़ पे भी काम आ सकती है। कि ये कैसा गम है खुशी बेशुमार होते हुए, करार क्यों नहीं मुझको करार होते हुए, करार होते वो मेरे भेजे हुए फूल उसके जूड़े में, मैं उसको देख रहा था बहार होते हुए। सादा सादा से लफ्ज हैं, दो लाइनें हैं कि बहार होते हुए ये कितने सख्त हैं परवरदिगार के बंदे। दूसरी लाइन पे ध्यान दीजिएगा कि करार होते हुए ये कितने सख्त हैं परवरदिगार के बंदे, वो कितना नर्म है परवरदिगार होते हुए। ये कितने सख्त हैं परवरदिगार के बंदे, वो कितना नर्म है परवरदिगार होते हुए, वो कितना नर्म है परवरदिगार होते हुए। एक गजल सुनाता हूं आपको। देखिए गजल मेरी बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी है कि ये नई हो गई है, मुलाहिज़ा फरमाएं। और ये भी तजर्बा कर रहा हूं मैं, आमतौर से तरन्नुम से तो पढ़ता नहीं अब कभी वैसे ही, लेकिन जी चाह रहा। कहता हूं कि खुश्क नदी में उतरे क्यों, 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 उतरे थे तो डूबे क्यों, उतरे थे तो डूबे क्यों, आंखें शिकवा करती हैं, आंखें शिकवा करती हैं, आंखें शिकवा करती हैं, आंखें शिकवा करती हैं, ख्वाब सुनहरे देखे क्यों, ख्वाब सुने रे देख। शेर मुलादा देख फरमाए, शब भर कहते हैं रात भर, शब कहते हैं रात को। देखिए मोहब्बत करने वाले को मजा आएगा कि खुश्क नदी में उतरे क्यों, उतरे थे तो डूबे क्यों, उससे दिन में मिलना था, 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 शब भर आखिर जागे क्यों, शब भर आखिर जागे क्यों, खुश्क नदी में उतरे। अच्छा ये शेर जब मैं सुनाऊंगा तो आप बहुत सारे अपने दोस्तों की तरफ देखेंगे, लिहाजा फरमाए कि खुश्क नदी में उतरे क्यों, उतरे थे तो डूबे क्यों, के गांव के सीधे सादे लोग, गांव के सीधे सादे लोग, गांव के सीधे सादे लोग, हाँ
कत्ल हो जाएगा। गांव के सीधे साधे लोग कि खुश्क नदी में उतरे। बेटे अभी रुक जाओ, जरा इधर बैठ जाओ। इन्हें चाय बेचने वालों को कुछ पता ही नहीं होता। शुक्रिया। के खुश्क नदी में उतरे क्यों, उतरे थे तो डूबे क्यों, के गांव के सीधे सादे लोग, 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 शहर में आकर बिगड़े क्यों, शहर में आकर बिगड़े क्यों, खुश्क नदी में उतरे क्यों, उतरे थे तो डूबे क्यों। बेटे आपको शेर सुनाता हूँ, शेर मुलायदा फरमाए के खुश्क नदी में उतरे क्यों। शायरी समाज का आईना होती है। अब देखिए मुलायदा फरमाए के खुश्क नदी में उतरे क्यों, अक्सर बेटी पूछती है, अक्सर बेटी पूछती है, अक्सर बेटी पूछती है, अक्सर बेटी पूछती है, कम पढ़ते हैं बेटे क्यों, कम पढ़ते हैं बेटे क्यों। उसे चाय वाले को भी बुलवा लीजिए, कर ले वो अपना काम जो कुछ कर। खुश्क नदी में उतरे क्यों, उतरे थे तो। जी जी भाई आ जाओ, चाय वालों आ जाओ बाहर। शुक्रिया भाई, बहुत ऐसे ही बुलाना पड़ेगा। दो शेर इस गजल में खास तौर पर कि खुश्क नदी में उतरे क्यों। भाई शेर मुलाजा फरमाए कि जिनके पर थे कागज के, 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 वो बारिश में निकले क्यों। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत वो बारिश में निकले क्यों, जिनके पर थे कागज के, जिनके पर थे कागज के, वो बारिश में निकले क्यों, वो बारिश में निकले क्यों, खुश्क नदी में उतरे क्यों, उतरे थे तो डू। और फिर ये शेर भी मजा देगा। फितरत कहते हैं नेचर को, आदत को,
के खुश्क नदी में उतरे क्यों, के कांटों की तो फितरत थी। अच्छा अच्छा, कांटों की तो फितरत है, कांटों की तो फितरत है। उसी तरह सुनिएगा कि कांटों की तो फितरत है, कांटों की तो फितरत है, तुम कांटों से उलझे क्यों। बहुत खूब, अरे वाह भाई वाह, बहुत खूब बहुत खूब। मुकर्रर डॉक्टर साहब, मुकर्रर करें, मुकर्रर करें। कांटों की तो फितरत है, कांटों की तो फितरत है, तुम कांटों से उलझे क्यों, तुम कांटों से उलझे क्यों। खुश्क नदी में उतरे क्यों, उतरे थे तो डूबे क्यों। एक और गजल का एक मतलब दो शेर सुनाता हूं। उसे चाय वाले को तो बुलवा लिए, निकल गया। देखो देखो भाई, चाय वाले को इतनी सी बात पे नाराज नहीं होना चाहिए, है ना। इतना बड़ा काम करे आदमी और इतनी सी बात पे नाराज हो जाइएगा। खैर, मैं आपको एक गजल के एक मतलब दो शेर और सुनाता हूं, यह भी आपके लिए नया होगा। कहता हूं मुलाजा फरमाए। देखिए इरशाद भाई जी, भाई हूं एक जुगनू दिया नहीं हूं, दिया चराग जी, के हूँ एक जुगनू दिया नहीं हूँ, हूँ एक जुगनू दिया नहीं हूँ, हूँ एक जुगनू दिया नहीं हूँ, हूँ एक जुगनू दिया नहीं हूँ। मैं आंधियों से बुझा नहीं हूँ, बहुत खूब बहुत खूब। मैं आंधियों से बुझा नहीं हूँ, और कोई तो हो साथ हंसने वाला, कोई तो हो साथ हंसने वाला, कोई तो हो साथ हंसने वाला, कोई तो हो साथ हंसने वाला। मैं मुद्दतों से हंसा नहीं, बहुत मैं मुद्दतों से हंसा नहीं हूँ, हूँ एक जुगनू दिया नहीं हूँ, मैं आंधियों से बुझा नहीं हूँ, और गुरूर तोड़ा है उसका मैंने, गुरूर तोड़ा है उसका मैंने, गुरूर तोड़ा है उसका मैंने, गुरूर तोड़ा है उसका मैंने। मैं मर गया हूँ बिका नहीं, बहुत अच्छे वाह वाह वाह। मैं मर
गया हूँ बिका। और मैंने दोस्तों जिस शेर के लिए आपको गजल सुनाई है, शेर मुलाजा फरमाए कि मैं मर गया हूँ बिका नहीं हूँ, मैं मर गया हूँ बिका नहीं हूँ। फिर आपकी मोहब्बतें चाहूँगा कि हूँ एक जुगनू दिया नहीं हूँ, मैं आंधियों से बुझा नहीं हूँ। शेर देखिए कि बुरा कहो और बुरा न मानूं, बहुत बढ़िया मिश्रा, बुरा कहो और बुरा न मानूं, बुरा कहो और बुरा न मानूं, बुरा कहो और बुरा न मानूं, मैं आदमी हूँ खुदा नहीं। बहुत बढ़िया, मुकर्रर कर दे भाई। हूँ एक जुगनू दिया नहीं हूँ, मैं आंधियों से बुझा नहीं हूँ, कि दुश्मनी भी ना कर सको तुम, के दुश्मनी भी न कर सको तुम, के दुश्मनी भी न कर सको तुम, बुरा हूँ इतना बुरा नहीं हूँ, बुरा हूँ इतना बुरा नहीं, के बुरा कहो और बुरा न मानूं, बुरा कहो और बुरा न मानूं, बुरा कहो और बुरा न मानूं, मैं आदमी हूँ खुदा नहीं हूँ। और सुनना चाहते हैं एक गजल? और गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर। बहुत शुक्रिया कि एक समंदर है जो एक समंदर है जो तूफान से खुश होता है, एक समंदर है बेहतर, एक समंदर है जो तूफान से खुश होता है, मेरा भाई मेरे नुकसान से खुश होता है। एक समंदर है जो तूफान से खुश होता है, मेरा भाई मेरे नुकसान से खुश होता है। बहुत शुक्रिया। एक शेर सुनाता हूँ, कहता हूँ कि अच्छा जी चलिए, कि मैं ही मैं है तुम्हारी बातों में, मैं ही मैं है तुम्हारी बातों में, क्या खुदाई का शौक रखते हो। क्या खुदाई का शौक रखते हो, और ज्यादा वजन पर अपने कभी मगरूर मत होना, ज्यादा वजन पर अपने कभी मगरूर मत होना, कि तिनका तैरता रहता है पत्थर डूब जाता, वाह वाह, कि तिनका तैरता रहता है पत्थर डूब जाता है, डूब जाता है। और जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के, जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के, उसका बदला ये मिला तकदीर सीधी हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत। उसका बदला ये मिला तकदीर। अरे गजब, जो असली गजल सुनानी थी वो तो याद ही नहीं रही, हद हो गई। वो महेंद्र अजनबी की क्या वो कविता थी, हम ही चक्कर में आ गए उसमें।
मैं नई गजल सुनाता हूं आपको, मुलायदा फरमाए। एक और एक शेर याद आ गया कि बहुत मजाक उड़ाते हो तुम गरीबों का, बहुत मजाक उड़ाते हो तुम गरीबों का, मदद तो करते हो तस्वीर खींच लेते हो, मदद तो करते हो तस्वीर खींच लेते हो। देखिए नई गजल सुनाता हूं, जी लगा के सुनिएगा। कहता हूं कि उसकी रहमत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है, उसकी रहमत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है, इतनी कलियां खिल जाती हैं टहनी कम पड़ जाती है, इतनी कलियां खिल जाती हैं टहनी कम पड़ जाती है। थके तो नहीं हो, अगर आप थक गया हो गजल बंद कर दूंगा मैं, कि इतनी कलियां खिल जाती हैं टहनी कम पड़ जाती है, और कितने कड़वे लोग हैं इनका लहजा कितना कड़वा है, टहनी कम पड़ जाती है, कितने कड़वे लोग हैं इनका लहजा कितना कड़वा है, चाहे जितनी चीनी फांके चीनी कम पड़ जाती है। कितने कड़वे लोग हैं इनका लहजा कितना कड़वा है, चाहे जितनी चीनी फांके चीनी कम पड़ जाती है। कूजागर कहते हैं, कुम्हार जो अपनी चाक पे मतलब मिट्टी से बर्तन बनाता है उसको कूजागर कहते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को, के मिट्टी कम उसकी रहमत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है, इतनी कलियां खिल जाती हैं टहनी कम पड़ जाती है, कि कूजागर और किस्मत दोनों बनने ही कब देते हैं, कूजागर और किस्मत दोनों बनने ही कब देते हैं, जब मेरी बारी आती है मिट्टी कम पड़ जाती है। वाह 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 भाई वाह। अच्छा जी कुंवर साहब, ये 76 साल अपनी उम्र बता रहे थे, वो तो दाढ़ी बता रही है, मगर हूं 26 साल वाला। उसकी रहमत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है, इतनी कलियां खिल जाती हैं टहनी कम पड़ जाती है, कितने कड़वे लोग हैं इनका लहजा कितना कड़वा है, चाहे जितनी चीनी फांके चीनी कम पड़ जाती है, कूजागर और किस्मत दोनों बनने ही कब देते हैं, जब मेरी बारी आती है मिट्टी कम पड़ जाती है। और छोटे मोटे पीर फकीरों के घुटनों तक आने में, छोटे मोटे पीर फकीरों के घुटनों तक आने में अच्छे खासे लोगों को भी सीढ़ी कम पड़ जाती है। बहुत बढ़िया। अच्छे खासे लोगों को भी सीढ़ी कम पड़ जाती है, और रूखी सूखी खा, अब ये दोनों शेर खास तौर से, कि रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं, रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं, जिस दिन चटनी मिल जाती है रोटी कम पड़ जाती है। बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह वाह, क्या ख्याल है, वाह सच्चाई है बिल्कुल। रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं, जिस दिन चटनी मिल जाती है रोटी कम पड़ जाती है। अब ताली तो आपको अब बजानी पड़ेगी, इन दो लाइनों को तोहफे के तौर पर पेश करता हूँ। देखिए इरशाद भाई जी, भाई के रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं, जिस दिन चटनी मिल जाती है रोटी कम पड़ जाती है। शेर यूँ कहा मैंने कि माँ के पाँव दबाकर जब मजदूरी करने जाता हूँ मिट्टी कम पड़ जाती है, माँ के पाँव दबाकर जब मजदूरी करने जाता हूँ इतने पैसे मिल जाते हैं मुट्ठी कम पड़ जाती है। अरे भाई वाह वाह वाह, इतने पैसे मिल, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे।